चलिए, तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन इस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक आज अपन डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक आपने जनरल सॉल्यूशन ऑफ तीन कैटेगरी में जनरल सॉल्यूशन पढ़े, साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा और साइन स्क्वायर इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा, इनके जनरल सॉल्यूशन पढ़े। साथ में लास्ट क्लास में, कल की क्लास में आपने जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ा, व्हेन टू ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आर गिवन, और उसमें आप सबसे पहले क्वाड्रेंट, उसके बाद अल्फा, फिर उस अल्फा को क्वाड्रेंट में एडजस्ट करते थे और फाइनल आंसर में 2nπ ऐड करते हैं। ये कल आपने लास्ट क्लास में देखा। एंड नाउ इस चैप्टर को थोड़ा सा और अपन आगे बढ़ा रहे हैं और नेक्स्ट टॉपिक जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इसमें है जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। कौन है भाई? तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, आप देखो यहां पर भी दो दो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिए हैं, बट यहां पर इन दोनों का सम है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल्स टू सी। इस तरीके के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का अपन जनरल सॉल्यूशन यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल्स टू सी। ये ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा ऑलरेडी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज इस चैप्टर में डिस्कस किया है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा को। तो ये याद रखें कि इस तरीके के किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट तभी होगा, मतलब ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर सी, इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन, मतलब थीटा की वैल्यू एग्जिस्ट तभी होगी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। तो सॉल्यूशन ऑफ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल्स टू सी इज exist only when minus root over a square plus b square less than or equal to c less than or equal to plus root over a square plus b square। इस तरीके के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन की एग्जिस्टेंस के लिए ये रिस्ट्रिक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का सबसे बड़ा वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है और मिनिमम वैल्यू माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। इसलिए ये जो सी है, राइट हैंड साइड में जो नंबर आपको सी दिया गया है, सबसे पहले आप ये चेक करोगे सॉल्यूशन बनाने के भी पहले,
ये सी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज आप लिख देंगे नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन से मतलब है देयर इज नो वैल्यू ऑफ थीटा विच सेटिस्फाई दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो सॉल्यूशन की एग्जिस्टेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि दिस शुड बी लाइज बिटवीन माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके दोनों के बीच में ये एग्जिस्ट करना चाहिए। यदि इन दोनों के बीच में लाई नहीं करेगा तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखिए इस एक कंसेप्ट का यूटिलाइजेशन आप क्वेश्चन में कैसे कर रहे हैं, तो कुछ एक दो क्वेश्चन में आपको करके बता रहा हूं कैसे आप इसको यूटिलाइज करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो दो तीन क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लें, फिर आप बनाइएगा क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, तो ये तो सॉल्यूशन की एग्जिस्टेंस की बात हो गई। अब जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले इतनी बात पर एक क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के। के आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि के क्या है, फॉर विच द इक्वेशन सेवन कॉस एक्स प्लस फाइव साइन एक्स इक्वल्स टू टू के प्लस वन। आपको के की वो सारी वैल्यूज बतानी है फॉर विच दिस इक्वेशन हैज सॉल्यूशन। You have to find the value of k ताकि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सके। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे तो k की इंटीग्रल वैल्यूज क्या क्या होंगी। इंटीग्रल वैल्यूज का मतलब इंटीजर वैल्यूज। k की ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो मैं यहाँ पर ले लू और इस पूरी इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। तो आप यदि इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करें तो a की जगह पर 7, B की जगह पर 5 और C की जगह पर 2K प्लस 1 लिखा है। और आप जानते हो कि सॉल्यूशन की एग्जिस्टेंस के लिए क्या जरूरी है कि ये जो आपका 2K प्लस 1 है मतलब C, इट शुड बी लाइज इन द इंटरवल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर और माइनस, सेम क्वांटिटी है विथ माइनस साइन, 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ये मेन थिंग हो गई हमारी। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 49 आएगा, 49 प्लस 25 74 हो जाएगा। तो ये रूट 74 बनता है और रूट 74 का वैल्यू जो है वो 8 और 9 के बीच में आएगा, 8 पॉइंट समथिंग होगा, क्योंकि रूट 64 8 होता है और रूट 81 9 होता है। तो ये 8 और 9 के बीच में आएगा 74। तो इसका स्क्वायर रूट जो है रूट 74 ये 8 पॉइंट समथिंग होगा, 8.6। चलो ठीक है 8.6 लिख लेते हैं। तो माइनस 8.6 लेस देन और इक्वल टू 2k प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 8.6, बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k
हमको के का वैल्यू निकालना है। तो पहले मैंने ये वन हटा दिया, पूरी इनइक्वालिटी में वन सबट्रैक्ट कर देते हैं, इसमें वन सबट्रैक्ट करोगे तो ये -9.6 हो जाएगा, और इसमें वन सबट्रैक्ट करोगे ये रूट नहीं है 7.6, तो ये 7.6 आएगा। सिर्फ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो हम टू से और डिवाइड करेंगे, जब आप टू से डिवाइड करोगे तो ये माइनस का 4.8 लेस देन और इक्वल टू के लेस देन और इक्वल टू 3.8, के का वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई करेगा। अब आप ये दोनों नंबर यदि नंबर लाइन पे प्लॉट करें तो ये है आपका नंबर लाइन, -4.8 को यदि आप नंबर लाइन पे प्लॉट करें तो यहां पर कहीं है -4.8 और 3.8, यहां पर 3.8। अब आपको -4.8 और 3.8 के बीच में इंटीजर वैल्यूज बतानी, तो -4.8 से बड़ा इंटीजर क्या होगा, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो अब आप इसको काउंट कर लीजिए तो आपको टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के मिल जाएंगी। सो देयरफॉर नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के इज 8। ये अपना आंसर हो गया, टोटल 8 वैल्यूज हैं, ये 4 और ये 4 8। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है 8, और इस तरीके से ये कंसेप्ट का यूटिलाइजेशन हमने एक क्वेश्चन में देखा। सर साथ है ना, वहां पे साथ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, टेक दी स्क्रीनशॉट। इसमें 3 सर, हाँ इसमें मैं -4.8 और 3.8 नहीं गिना जाएगा, नहीं नहीं बिटवीन पूछा है ना, इंटीग्रल -4.8 इज नॉट एन इंटीजर, आपको इंटीजर वैल्यूज चाहिए। ओके सर, -4.7 भी ले सकते फिर तो, हाँ लिख तो कुछ भी सकते हैं, जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो लिखना है, ठीक है सर। 4.7 इंटीजर नहीं होता सर। हाँ बोलो किशन सर, वो टू से आप डिवाइड किया है सर 9.6 और 7.6 को, हाँ 2 से डिवाइड किया क्योंकि हमको k का वैल्यू फाइंड करना है, तो पूरी इनइक्वालिटी को 2 से डिवाइड किया। चलिए इसको नोट करिए सर। हाँ बोलो बेटा। सर ये हमेशा 1 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इक्वेशन को, जो भी है मतलब यदि यहाँ पर k दिया होता ओनली, मतलब राइट हैंड साइड में मेरे को केवल k दिया होता तो मेरे को सबट्रैक्ट नहीं करना होता, क्योंकि हमको k का वैल्यू पूछा है और दिया 2k+1 है, इसलिए बीच में हमको k बनाना है, और k बनाने के लिए पहले 1 हटाएंगे और फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। ओके सर, और कोई डाउट किसी को, नोट करिए इसको, एक और क्वेश्चन अपन डिस्कस कर दें। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सॉल्यूशन डज द इक्वेशन
इक्वेशन आपको दिया है रूट थ्री साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू फोर एज। इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के टोटल कितने सॉल्यूशन होंगे ये आपसे पूछा। सो हाउ मेनी सॉल्यूशन डज दिस इक्वेशन हैज, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर है नो सॉल्यूशन। कैसे नो सॉल्यूशन? और उसके पीछे रीजन ये है, मतलब नो सॉल्यूशन का मीनिंग ये हो गया देयर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो आप यहां पर डालें और इसका जो सम है वो फोर के बराबर आ जाए। तो देखिए क्यों इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। यदि आप कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से तो ए की जगह पर वन लिखा है, बी की जगह पर रूट थ्री लिखा है और सी की जगह पर फोर दिया है। और आप ये देखते हैं कि फोर जो है, मतलब ये जो सी है, ये फोर इन दोनों इनइक्वालिटी के बीच में लाई नहीं करता, क्योंकि व्हेन यू कैलकुलेट माइनस स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए का वैल्यू आपका वन है तो वन स्क्वायर प्लस रूट थ्री स्क्वायर, सी फोर दिया है और ये वन स्क्वायर प्लस रूट थ्री स्क्वायर आया। और आप जानते हैं रूट थ्री का स्क्वायर थ्री प्लस वन फोर का स्क्वायर रूट टू आएगा, तो माइनस टू लेस देन और इक्वल टू फोर लेस देन और इक्वल टू टू ऐसा आता है। बट फोर इसको सेटिस्फाई नहीं करता, मतलब ये इनइक्वालिटी इसको सेटिस्फाई होता ही नहीं है। तो नो सॉल्यूशन के पीछे रीजन ये है कि सिंस फोर डज नॉट बिलोंग्स टू द इंटरवल माइनस टू से प्लस टू, मतलब इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट तभी करेगा जब आप इस फोर की जगह पर कोई ऐसा नंबर लोगे जो माइनस टू और प्लस टू के बीच में होगा। क्योंकि फोर इस रेंज में नहीं आता है इसलिए एक्स की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो नोट कर लीजिए, कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछिए। तो ये तो दो बातें हुई जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी कि एक तो आप सबसे पहले ये चेक करोगे कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि भी नहीं करता। यदि ऐसी कोई सिचुएशन बन गई तो सिर्फ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, तो आपने उसको फर्दर सॉल्व भी नहीं करना, बस ये रीजन देके छोड़ देना है नो सॉल्यूशन। और रीजन दे देंगे सेंस फोर डज नॉट बिलोंग्स टू माइनस टू से प्लस टू, और ये माइनस टू से प्लस टू कहाँ से आया, तो प्लस टू ये वैल्यू है और माइनस टू ये वैल्यू है, तो फोर इन दोनों के बीच में लाई नहीं करता है, इस पूरी रेंज में कहीं भी बिलोंग नहीं करता है, इसलिए कोई भी सॉल्यूशन आपको इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का नहीं मिलेगा। ये पहला क्वेश्चन। और दूसरा आपने इसके पहले किया था कि इस एक से रिलेटेड आपको एक आध कोई अननोन दे सकते हैं क्वेश्चन में, जैसे आपको प्रीवियस क्वेश्चन में के दिया था, तो वो अननोन का वैल्यू आपसे पूछ सकते हैं कितनी इंटीजर वैल्यूज के लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो अपन ने वहां पे निकाला था आठ वैल्यूज होंगी के की जिसके लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो ये दो सवाल हुए कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और यदि करेगा तो वो अननोन की कितनी वैल्यूज आएंगी, ये दो सवाल। अब अपन तीसरी बात पे डिस्कस कर रहे हैं कि मान लो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो फिर जनरल सॉल्यूशन आप कैसे फाइंड आउट करोगे, उसको फर्दर कैसे प्रोसीड करेंगे यदि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो नेक्स्ट सवाल हमारा उस पर है। अब आप अपन उसको डिस्कस करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। Moving on to the next sum. The next question is find the general value of theta satisfied
satisfy the equation root 3 cos theta plus sine theta equals to 2. Root 3 sine theta plus cos theta equals to root 2. Root 2 करिए. तो अब आप देखिए रूट टू माइनस टू से प्लस टू के बीच में बिलोंग करता है और इसलिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इसका. अब जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे? और आपने यहां पर जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. जनरल सॉल्यूशन का मतलब है कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा. थीटा की सारी वैल्यूज आपको बतानी है जितनी पॉसिबल है सब, जो इसको सेटिस्फाई करती है. तो चूंकि सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर रहा है सॉल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन इज एग्जिस्ट सिंस C मतलब रूट टू बिलोंग्स टू माइनस टू से प्लस टू. रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालोगे मतलब रूट थ्री का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर मतलब थ्री प्लस वन फोर, इसकी वैल्यू निकालो तो थ्री प्लस वन फोर का स्क्वायर रूट कितना आता है? टू. तो ये 2 है, ये माइनस 2 है और ये रूट 2 है. तो रूट 2 माइनस 2 से प्लस 2 के बीच में लाई करता है इसलिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. अब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ये तो ठीक है, यदि मान लो लाई नहीं करता तो अपन नो सॉल्यूशन लिख के क्वेश्चन यही खत्म कर देते. बट ये लाई कर गया मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है. तो अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का आप सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करोगे? हाउ वी फाइंड द सॉल्यूशन When solution exists, तो फर्दर कैसे प्रोसीड करते हैं अब वो आप समझिए. तो आपने इसमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप सोल्यूशन फाइंड करने के लिए इस पूरी इक्वेशन को मैंने टू से डिवाइड कर दिया है. सबसे पहला स्टेप इसको टू से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? रूट थ्री अपॉन टू कॉस थीटा प्लस इसको टू से डिवाइड करेंगे तो वन अपॉन टू साइन थीटा और उसको टू से डिवाइड करेंगे तो रूट टू अपॉन टू. नेक्स्ट स्टेप में आप ये जानते हो इस रूट थ्री बाई टू को आप लिख सकते हो साइन सिक्सटी. साइन सिक्सटी रूट थ्री बाई टू होता है. ये कॉस थीटा रिमेन्स एज सच. इस वन अपॉन टू को अपन लिख सकते हैं कॉस सिक्सटी. ये साइन थीटा रिमेन्स एज सच और यहां पर बन गया आपका वन अपॉन रूट टू. ठीक है, तो पहले मैंने टू से डिवाइड किया फिर ये जो रूट थ्री बाई टू बन गया इस रूट थ्री बाई टू को साइन सिक्सटी और ये जो वन बाई टू लिख दिया इसको कॉस सिक्सटी. अब अपन यहां पर लगाएंगे फॉर्मूला. देखिए क्या बन गया, ये साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला. तो आप जानते हो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहला फॉर्मूला था कंपाउंड एंगल के लिए. कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं यहां पर? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला. क्या होता है ये? इट इज साइन ए प्लस बी. ये फॉर्मूला अपन ने यहां पर लगाना है साइन ए प्लस बी. तो देखिए नाउ दिस बिकम्स व्हाट, इसको अपन लिख सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला साइन ए प्लस बी और राइट हैंड साइड में आपका वन अपॉन रूट टू ये वाला. अब ये वही बन गया साइन थीटा बराबर साइन अल्फा. ये वन बाय रूट टू को अपन साइन के टर्म्स में लिखेंगे तो अपन जानते हैं वन अपॉन रूट टू कितना होता है? साइन 45. तो इस 1 बाई रूट टू की जगह पर आपको लिखना है साइन 45.
और आप इसमें लगा दीजिए जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा। तो साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा का सॉल्यूशन कितना होगा? साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस वन पावर एन अल्फा। ये आपने पढ़ा, बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो केवल यहां थीटा छोड़ दो, पाई बाई थ्री को ट्रांसफर कर दो, तो थीटा की जनरल वैल्यू क्या आ जाती है? एन पाई माइनस वन पावर एन पाई बाई फोर माइनस पाई बाई थ्री, और एन बिलोंग्स टू आपका हमेशा क्या रहेगा? पाई। ये है जनरल सॉल्यूशन। तो इस तरीके से प्रोसीड करेंगे। तो एक बार फिर से देखिए, सबसे पहले तो कोई क्वेश्चन आएगा तो आप ये चेक करो कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो चूंकि ये करता था तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो सॉल्यूशन को प्रोसीड कैसे करेंगे? तो सबसे पहला स्टेप, पूरी इक्वेशन को मैंने टू से डिवाइड कर दी। दूसरा स्टेप, ये रूट थ्री बाई टू को साइन सिक्सटी लिखा है और वन बाई टू को कॉस सिक्सटी लिखा है। तो यहां पर ये फॉर्मूला लग जाता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, उससे अपन को साइन ए प्लस बी ये मिल जाता है। और ये साइन 45 लिख दिया वन बाई रूट, और अब इसमें साइन थीटा बराबर साइन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन जो आपको कल भी बताया था वो लगा दिया। तो थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस वन पावर एन अल्फा होता है, और ये पाई बाई थ्री को ट्रांसफर कर दीजिए, देन यू गेट योर सॉल्यूशन। अब इसमें कोई डाउट है आपको तो पूछ लें, अदरवाइज नोट कर लें। कोई भी सवाल आपके मन में उठ रहा है तो पूछ लीजिए। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देना। टू से डिवाइड करना है और ये टू थ्री बाई टू बन गया, इसको साइन सिक्सटी लिखेंगे और ये वन बाई टू को कॉस सिक्सटी लिखेंगे। फिर यहाँ पर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला बन गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है साइन ए प्लस बी। अब चूंकि लेफ्ट हैंड साइड में साइन बना है तो राइट हैंड साइड में भी साइन बना है, तो मैं वन बाई रूट टू को साइन 45 लिख दिया। और अब इसमें साइन थीटा बराबर साइन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन, आपने फॉर्मूला लिखा है जाके देखो, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन आपने लिखा है थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस वन पावर एन अल्फा, और पाई बाई थ्री को ट्रांसफर कर दिया एंड वी गेट अवर सॉल्यूशन। और कोई सवाल किसी का नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। सर उसको टू से क्यों डिवाइड किया? चलिए वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई आप सही चीज को टारगेट करें, टू से ही क्यों डिवाइड किया। तो सबसे पहली बात, ये कैसे पता चलेगा किस नंबर से डिवाइड करोगे? तो इस नंबर से डिवाइड करते हैं, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आता है? टू आता है, ये आ रहा है टू। तो ये वाले नंबर से डिवाइड करना है। अब इसी नंबर से क्यों डिवाइड किया? तो उसके पीछे का कहानी ये है कि जब आप ये टू से डिवाइड करते हो तो ये जो दो नंबर बन जाते हैं, जो पहले रूट थ्री और वन दिया था, टू से डिवाइड किया तो ये रूट थ्री बाई टू और वन बाई टू बन गए। तो ये जो रूट थ्री बाई टू और वन बाई टू है, ये सेम एंगल के साइन और कॉस बनते हैं। आपने देखा भी है कि ये जो रूट थ्री बाई टू, इसको अपन ने साइन सिक्सटी लिखा, और ये जो वन बाई टू है इसको अपन ने कॉस सिक्सटी लिखा। तो दे बिकम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सेम एंगल, एक साइन में बनेगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली कॉस बनाएगा। और उसके पीछे का भी रीजन ये है, देखिए बहुत छोटी सी बात आप यहाँ पे समझो, इसे इसलिए डिवाइड करते कि यदि मैं राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड ए और बी ले लेता हूं तो तीसरा साइड जो है वो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आना, ये है वो रीजन। तो इसलिए जब मैं इन दोनों नंबर्स को, ए को और बी को, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, तो यदि a अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप कॉस बोलोगे तो ऑटोमेटिकली b अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेम एंगल का साइन बन जाएगा। यदि मैं इस एंगल को अल्फा मान लू तो
तो अब हमारा a अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यदि cos अल्फा है तो b अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमेशा सेम उसी एंगल का साइन बन जाएगा। मतलब ये कोई भी दो नंबर्स हैं, जैसे मैं ले लूं 3 और 7, दो नंबर्स मैंने लिए 3 और 7, तो 3 और 7 को स्क्वायर करके ऐड करो तो 49 + 9 बनता है √58। तो मैं यदि 3 और 7 को √58 से डिवाइड करूं तो यदि आप 3 अपॉन √58 को कॉस अल्फा बोलोगे तो 7 अपॉन √58 साइन अल्फा हो जाएगा, क्योंकि वो ए और बी अपनी अपोजिट और एडजेसेंट साइड हो जाएंगी और अपन उसको हाइपोटेनियस डिवाइड करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द रीजन बिहाइंड इट कि अपन 2 से ही डिवाइड करेंगे। सर ये साइन और कॉस में ही वैलिड है ना? हाँ, साइन और कॉस में ही आएगी ये। सर क्या बोले सर, जो अभी आपने वो साइन और कॉस का बताया वो नहीं समझा। उसको आपने साइन और कॉस में क्या करना है, किस नंबर से डिवाइड करेंगे? तो ये जो आपका नंबर बनता है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे डिवाइड करेंगे हमेशा। तो हमने 2 से डिवाइड करना है। हमारा क्वेश्चन ये था, जब मैं 2 से डिवाइड किया तो ये √3/2 और 1/2 बना। अब ये जो √3/2 और 1/2 बन गया, तो यदि √3/2 को आप साइन 60 लिखोगे तो ये 1/2 ऑटोमेटिकली 60 डिग्री का कॉस बनेगा। सेम एंगल मतलब 60 डिग्री का ये कॉस बनेगा। तो वो जो दो नंबर्स हैं √3 और 1, यदि आप एक को साइन अल्फा लोगे तो दूसरा वाला अपने आप कॉस अल्फा बनेगा। सेम एंगल के साइन कॉस बनते हैं। और कोई डाउट? अबे ये 2 को √2 × √2 लिख सकते हैं, एक √2 कट गया, √2 का मतलब आधा 2। तो ये पूरा 2 लिखा है, ये आधा 2 लिखा है, आधा कट गया तो नीचे आधा बचा। ये 2 को आप √2 × √2 लिख सकते हो। एक काट देना तो 1/√2 बचेगा। और कोई सवाल किसी का? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए एक और सवाल अपन डिस्कस कर रहे हैं, धीरे धीरे 2-3 सवाल बनाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देखिए अब ये ले लिया हमने सवाल, जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। सर 1 बिलोंग्स टू -1, 1 आएगा ना इसका? नहीं नहीं, उसकी जो रेंज आती है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालोगे तो वो √2 आता है। सॉल्यूशन निकलेगा क्या? सॉल्यूशन तो निकलेगा, क्योंकि ये जो 1 है ये सी की जगह पर कितना लिखा है 1, और 1 बिलोंग्स टू इसका वैल्यू निकालोगे ए स्क्वायर प्लस बी, भाई ए और बी दोनों 1 1 है तो 1 1 डालोगे तो कितना आएगा √2, तो -√2 से +√2, और 1 जो है वो -√2 से +√2 के बीच में लाई करता है क्योंकि √2 का वैल्यू 1.414 होता है, तो इसमें ये 1 लाई करता है इसलिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो कैसे निकालेंगे? तो जो स्टेप्स अभी आपको बताए वो फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है आप किससे डिवाइड करोगे, आप डिवाइड करोगे √2 से। तो ये पूरी इक्वेशन को √2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहला स्टेप। तो क्या बन जाएगा ये 1 अपॉन √2 cos थीटा प्लस 1 अपॉन √2 sin थीटा बराबर 1 अपॉन √2।
पूरी इक्वेशन को रूट टू से डिवाइड करेंगे, रूट टू ये वाला नंबर है ना। अब यदि आप ये वन अपॉन रूट टू को साइन 45 लिखते हो, नाउ दिस इंप्लाई व्हाट, यदि मैंने इसको साइन 45 माना तो ये वाला अपने आप कॉस 45 बन जाएगा। और ये वन अपॉन रूट टू एज सच। अब यहां पे फिर से आपका वही फॉर्मूला बन गया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी क्या होता है, साइन ए प्लस साइन ए प्लस बी हो गया। और ये वन अपॉन रूट टू को अपन कितना लिखेंगे, साइन 45 जो प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा। और अब यहां पर फॉर्मूला लगेगा साइन थीटा बराबर साइन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन। तो क्या होता है जनरल सॉल्यूशन, थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस वन पावर एन अल्फा। और फाइनल आंसर ये पाई बाई फोर को ट्रांसफर कर देना, तो थीटा इक्वल्स टू एन पाई और एन बिलोंग्स टू आपका क्या होगा पाई। नोट कर लीजिए इसको। सो फाइनल आंसर सिर्फ एन पाई लिखना पड़ेगा। हाँ जनरल सॉल्यूशन में एन पाई आता है, तो जनरल सॉल्यूशन को देखते हुए इसको लिखा गया है। नो सर वो नहीं, माइनस पाई बाय फोर और माइनस पाई बाय फोर तो जीरो हो जाएगा। नहीं वो जीरो नहीं होगा क्योंकि इसके सामने ये लगा हुआ है। हाँ हाँ इनटू है। नोट करिए इसको, कोई और आपके सवाल मन में है तो पूछ लीजिए इससे रिलेटेड। तो अपन ने टोटल चार बातें, चार क्वेश्चन आपको मैंने बताए। सबसे पहले क्वेश्चन में तो हमने ये देखा कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, यदि नहीं करेगा तो वहीं छोड़ देंगे। दूसरा आपका क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कोई अननोन डाल देंगे तो वो अननोन का वैल्यू आपसे पूछ सकते हैं। और फिर अभी जो रिसेंटली दो सवाल हमने बनाए उन क्वेश्चन में हमने ये देखा कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कैसे करेंगे, फर्दर प्रोसीड कैसे करेंगे, तो वो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया। आपके मन में इतनी बातों को लेके कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। सर बोलो सर, कभी ए और बी फाइंड करने के लिए बोल सकते हैं? नहीं नहीं, ए और बी जब तक फिक्स नहीं होगा तब तक आपको सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। तो ए और बी अननोन नहीं होंगे, ठीक है, और एग्जैक्ट वैल्यू पूछी भी नहीं जाती है। आपको पूछा गया था जब प्रीवियस क्वेश्चन में तो के का रेंज पूछा था, तो एग्जैक्ट वैल्यू तो वैसे भी नहीं पूछते, के की रेंज पूछते हैं कि के किस किस के बीच में लाई करेगा। तो ए और बी तो गिवन होना कंपलसरी है। अरे रूट टू और माइनस रूट टू ये चल रहा ऊपर वाले फॉर्मूले से पता चला, इससे आता क्योंकि ए और बी दोनों का वैल्यू वन वन है, तो वन वन का स्क्वायर वन वन होगा और ये रूट टू बनाएगा। और कोई सवाल किसी के मन में सांगा, लौकरात लौकर सांगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया। जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल्स टू सी, इस तरीके के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो आपने यहाँ पर देखा। अब एक दो क्वेश्चन और अपन डिस्कस कर लेते हैं ओवरऑल, जो अभी तक अपन ने पढ़ा उस पर बेस्ड।
ये भी इंक्लूड कर लेते हैं अगले एक दो सवाल में, और जो प्रीवियस पढ़ के आए वो भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा इन क्लोज इंटरवल 0 to π satisfy the equation trigonometric equation आपको दी है 2 sin square theta equals to 4 plus 3 cos theta। कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी इसको सेटिस्फाई करने वाली? आपके ऑप्शन है 0, 1, 2, 3। थीटा की कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी और इस इंटरवल में लाई भी करेंगी 0 से 2π के बीच में। सुमित तजने चेक करें, रवि कुमावत चेक करें, कुणाल करेक्ट है। आदित्य वाघमारी चेक करें, अभिषेक यादव चेक करें। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में 6 की 0 है इक्वल्स टू 6 दिया है। थैंक यू सर।
सुमित चेक करें, रोशन पटेल करेक्ट हैं, सुजल चेक करें, रवि कुमावत चेक करें, सुजल चेक करें, आदित्य वाघमारे चेक करें, सुमित तजने चेक करें, सुजल चेक करें। कितना आंसर करोगे सुजल? सारे ऑप्शन कर दोगे क्या? अंशु करेक्ट है, कुणाल करेक्ट है, प्रज्वल चेक करें, तनिष्का करेक्ट है, अभिषेक यादव करेक्ट है, रवि कुमावत चेक करें, नमन करेक्ट है, चलिए तो देख लीजिए अब आप इन क्वेश्चंस के आंसर। सुजल करेक्ट है अभी। फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो है जीरो सॉल्यूशन, थीटा की कोई वैल्यू आपको नहीं मिलती। और रीजन ये है कि आप जब साइन स्क्वायर को कॉस में कन्वर्ट करेंगे और इसको ओपन करेंगे, टू कॉस स्क्वायर को वहां पे ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये क्वाड्रेटिक बनता है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस थ्री कॉस थीटा, तो इसके लिए कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है। यश गाड़े करेक्ट है। आप जब इस क्वाड्रेटिक का बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकालेंगे तो बी स्क्वायर नाइन आएगा, फोर ए सी सिक्सटीन आएगा, विच इज नेगेटिव, और इसलिए नो सॉल्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है डी और लास्ट क्वेश्चन का आंसर भी डी है। और उसके पीछे रीजन सिंपल सा है कि सिक्स डज नॉट बिलोंग्स टू रूट ओवर थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर, दैट मीन्स और इसलिए नो सॉल्यूशन। दोनों क्वेश्चन का डी डी ऑप्शन करेक्ट है, नोट कर लीजिए। तो बाकी करेंगे अगली क्लास में, आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद सर। ये वापस बता दोनों डिस्कनेक्ट हो गया था सर। इसका तो डिस्क्रिमिनेंट निकाला तो नेगेटिव आया, और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो नो सॉल्यूशन आपने पढ़ा है क्वाड्रेटिक में। और दूसरा, जब आप इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो फाइव आता है, तो माइनस फाइव और प्लस फाइव बनती है रेंज, और सिक्स जो है वो माइनस फाइव और प्लस फाइव के बीच में लाई नहीं करता। और जब सिक्स माइनस फाइव और प्लस फाइव के बीच में लाई नहीं करेगा तो फिर नो सॉल्यूशन मिलेगा।
ठीक है, सो आंसर है नो सॉल्यूशन. चलिए सो बाय एवरीवन. बाय सर. अच्छा थैंक यू सर. सर हाँ भेज देंगे, वीडियो भेज देंगे. बाय एवरीवन.